सर, अरे सर तो आज ऑफिस में ही नहीं आए हैं। अरे रामू, सर नहीं आए क्या आज? साहब आज सर नहीं आएंगे क्योंकि वो छुट्टी पर हैं। अच्छा, सर छुट्टी पर हैं। चल कोई बात नहीं, तू अपना काम कर। ठीक है साहब। यार आज मेरे पास ना सबसे अच्छा मौका है। सर का ना पूरा लैपटॉप सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि सर के लैपटॉप में क्या क्या डेटा है और सर हर रोज़ क्या क्या देखते हैं, और सर का रैक भी चेक कर लूँगा कि उसमें क्या है। अरे साहब, आप बड़े साहब के लैपटॉप में क्या कर रहे हो? अरे रामू, मैं सर के लैपटॉप में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। वो मुझे ना कुछ फाइल्स को ट्रांसफर करना था दूसरी जगह, इसलिए मैं सर के लैपटॉप को खोला हूँ। ठीक है साहब, आप कर लीजिए। ठीक है। चलो, अब ये डेटा तो मेरे फोन में ट्रांसफर हो चुका है। अब सर के रैक को चेक कर लेता हूँ कि इसमें क्या क्या है। पैसे, और वो भी इतने सारे पैसे। अरे इससे अच्छा मौका और क्या मिलेगा मुझे? सर भी अपने केबिन को ऐसे ही खुला हुआ छोड़ जाते हैं। ऐसा करता हूँ, इन पैसों को ना छिपा लेता हूँ, क्योंकि सर तो मुझ पर वैसे भी शक नहीं करेंगे। और ये रामू नौकरी सर के केबिन में आकर साफ सफाई करता है, चोरी का इल्ज़ाम इसी के ऊपर लगेगा। ऐसा करता हूँ, पैसे चुरा कर ना अब यहाँ से निकल जाता हूँ। तो सुन रामू, मैंने ना फाइल्स को ट्रांसफर कर दिया है, अब मैं जाता हूँ। ठीक है साहब, आप जाइए। ठीक है। सर, आपकी सर से बात हुई होगी, उन्होंने 2 लाख रुपए के लिए बोल दिया है, तो आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए। हाँ, मेरी उनसे थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, मैं अभी तुम्हें वो पैसे देता हूँ। अरे इसमें तो पैसे ही नहीं है। पैसे तो मैंने इस रैग में ही डाले थे, फिर कहाँ गए? हाँ, रामू ने साफ सफाई की होगी ना, रामू को बुलाता हूँ। अरे रामू, अंदर आओ। जी साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ रामू, मैंने तुम्हें बुलाया था, कल मैं ऑफिस नहीं आया था, और मुझे लगता है कि पूरे ऑफिस की साफ सफाई तुमने ही की होगी। तो इस रैग में ना मेरे पूरे 2 लाख रुपए रखे हुए थे, और मैं इसका लॉक भी लगाना भूल गया था, तो हो सकता है तुमने निकाल ली हो, तो बता दो मुझे। नहीं साहब, मैंने इसमें से पैसे नहीं निकाले, और मुझे तो पता भी नहीं है कि इसमें पैसे हैं। क्या कहा तूने? तूने मेरे पैसे नहीं देखे तो मुझे ये बता, तेरे सिवाय इस ऑफिस के अंदर आता ही कौन है? वैसे भी हर वक्त साफ सफाई तू ही करता है इसकी, तो फिर और किसने निकाले होंगे पैसे? साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं निकाले पैसे, लेकिन हाँ कल ना छोटे साहब आए थे और वो ना आपके लैपटॉप में कुछ कर रहे थे, एक बार आप उनसे बात कर लीजिए, हो सकता है कि उन्होंने आपके पैसे निकाल लिए हों। चल ठीक है, मैं अभी कॉल करता हूँ उन्हें। हाँ रोहितास, तो मैं काम करूँ, अभी ऑफिस में आओ। ठीक है। जी सर, बताइए। रोहितास, मैंने तुम्हारे लिए इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं ये पूछना चाहता हूँ, कल तुम मेरे ऑफिस में आए थे? हाँ सर, मैं आया था आपके ऑफिस में। और रामू ये बोल रहा है कि तुम लैपटॉप में भी कुछ कर रहे थे, ऐसा क्या काम था तुम्हारा? नहीं सर, लैपटॉप में तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, ये झूठ बोल रहा होगा। चलो वो सारी बातें छोड़ो, लैपटॉप में तुमने कुछ भी किया हो उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। देखो मेरी रैग में ना कल 2 लाख रुपए रखे हुए थे, तो वो तुमने निकाले हैं क्या? क्या सर, 2 लाख रुपए? अरे सर, मैंने तो आपके रैग को खोला भी नहीं है, तो फिर मैं पैसे क्यों निकालूंगा? और वैसे भी आप हमारी सैलरी टाइम पर पे कर देते हो, तो फिर मैं आपके पैसे क्यों निकालूंगा? तो फिर पैसे कहाँ चले गए? रामू तू मुझे साफ साफ बता दे, पैसे किसने निकाले हैं, बता मुझे। अरे साहब, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? मैंने इसमें से पैसे नहीं निकाले हैं। अरे सर, मुझे तो ऐसा लगता है ये रामू ना झूठ बोल रहा है, इसी ने आपके पैसे निकाले होंगे। और वैसे भी नौकर ना ईमानदार नहीं होते हैं, इनके अंदर ना बहुत जल्दी लालच आया था पैसों को देखकर, तो हो सकता है इसी ने पैसे चुरा लिए हों आपके। देखो रोहितास, इस तरह तो मैं किसी पर चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकता, लेकिन हाँ
पैसे किसने निकाले हैं वो पता चल जाएगा। देखो मेरे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और मैं अभी चेक कर लेता हूँ कि मेरे पैसे किसने निकाले हैं, अभी पता चल जाएगा। क्या सर के ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? इसकी तरफ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। मुझे लगता है अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी इज्जत का क्या होगा, सर तो मेरी बहुत बेइज्जती करेंगे। रोहितास क्या कहा था तुमने कि मैंने तुम्हारे पैसे देखे भी नहीं हैं? इस रैग में से तुमने पैसे निकाले हैं, साफ दिख रहा है मुझे इसमें, और चोरी का इल्ज़ाम तुमने इस रामू पर लगा दिया। और क्या कह रहे थे कि ये चोर होते हैं? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बताओ क्यों निकाले थे मेरे पैसे? वो आपके पैसों को देख कर ना मेरे मन में लालच आ गया था, तो मैंने सोचा कि ये पैसे निकाल लेता हूँ जिससे कि मैं एक नया फ़ोन ले आऊँगा, क्योंकि सर मेरी बचपन से ही ख्वाहिश रही है कि मैं अपनी ज़िंदगी में आईफोन चलाऊँ, और सर उन पैसों से मैंने आईफोन ले लिया। रोहितास एक फ़ोन चलाने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं आज ही तुम्हें इस कंपनी से फायर करता हूँ। यू आर फायर नाउ। नहीं नहीं सर, आप मुझे जॉब से मत निकालिए, प्लीज़ सर ऐसा मत कीजिए, मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। नहीं तुम्हें अब इस कंपनी में जॉब करने के लिए कोई भी चांस नहीं मिलेगा। यू कैन गो नाउ फ्रॉम हियर। और रामू तुम इसी तरीके से ईमानदारी के साथ इस कंपनी में काम करते रहो, मुझे तुम पर गर्व है। ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ।